सेवन, क्लास सेवन हिस्ट्री चैप्टर नंबर एक, कहां कब और कैसे, लेक्चर नंबर दो। देखिए पिछले क्लास में मैंने यहां तक पढ़ा दिया था, इसके बाद की क्लास अब देखिए। कहता है पूरब तथा उत्तर के लेखकों में पूर्व तथा उत्तर के लेखकों में राज्यों के स्थानों को लेकर भी अंतर रहा। अभी मध्यकालीन भारत किस ढंग का लिखा गया है उसके बारे में डिटेल अध्ययन किया जा रहा है कि क्या क्या खामियां मिली और कौन सा इतिहासकार किस मकसद से ये भारत को लिखा और कैसे लिखा, उसका आधार को बता रहा। तो राज्यों के स्थान को लेकर के भी इसमें टेंशन था। अलबरूनी भी एक लेखक है, ये बताइए कहां के लेखक था अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी यूनानी लेखक था, ठीक है ना। अलबरूनी कहां के लेखक, ठीक है ना, यूनानी लेखक था अलबरूनी, कि अरबी लेखक था, अरबी लेखक था अलबरूनी, ठीक है ना, याद करो। हाँ अरबी लेखक अलबरूनी, अरबी लेखक था। अलबरूनी ने कन्नौज को कन्याकुब्ज कहा, क्या कहा, कन्याकुब्ज कहा। और कन्नौज को अभी देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जब पढ़ रहे थे, दक्षिण उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है ना। इसमें तीन राजाओं था, कौन कौन राजा था, तीन गो। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच पढ़ा गया था, एगो बादामी का चालुक्य, याद आ रहा है चालुक्य, हाँ मैंने सब, एगो पाल वंश में गोपाल संस्थापक था ना। तो ये सब त्रिपक्षीय संघर्ष किसको हो रहा था, किसको लेकर के, तो सिर्फ एक जगह यानी वो जगह क्या था, कन्नौज को लेकर के, कि जिस जो राज्य जो राजा कन्नौज को जीत लेगा वो पूरा भारत का विजेता कहलाएगा। कन्नौज उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर के पूरी लड़ी गई थी। यहाँ तक तो मैं पढ़ाई दिया हूँ मध्य, अब स्टार्ट करेंगे कर बाद मध्यकालीन भारत। हाँ सारे चीज पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा त्रिपक्षीय संघर्ष। कहता है अलबरूनी ने कन्नौज को क्या कहा, कान्यकुब्ज कहा। अलबरूनी ने कन्नौज को नाम क्या दिया था, कान्यकुब्ज। उस और उसके आसपास के क्षेत्र मध्य देश बताया, तो आज भी आसपास के मध्य प्रदेश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश कहा जाता है कि नहीं। उसने इस क्षेत्र को सिंध के पूर्व में दिखाया, तो ये गलत है, उतना ज्यादा सिंध के दक्षिण में है ना, सिंधु के दक्षिण में है कि नहीं है, तो पूरा में इसका नहीं है। अपने विवरण में उसने लिखा भौगोलिक दृष्टि से कन्नौज भारत के मध्य में है, ठीक है, जबकि पूरा भारत के मध्य में कन्नौज नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कन्नौज थोड़ी ना, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। उसके बाद उसने कुछ अन्य स्थलों तथा उसके मध्य की दूरी को, अच्छा ये पूरा कहानी कौन बता रहा है, अलबरूनी, अरबी लेखक अलबरूनी, अरबी लेखक अलबरूनी। देखिए अभी तक के तीन लेखकों की चर्चा हुई है, मिन्नाह उस सिराज अलबरूनी, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। जैसे कश्मीर, थानेश्वर, प्रयाग, मथुरा, इसने भी उस जगह को दर्शाया, किस चीज जगह को, कश्मीर, थानेश्वर, प्रयाग, मथुरा। इसको यहां भेजे, इसको यहां भेजे, बोले क्लास लेने के लिए। अफ्रीकी यात्री में इब्न बतूता ने, देखिए अफ्रीकी यात्री एक और कौन था, इब्न बतूता। ये इब्न बतूता कहां के रहने, एग्जैक्ट जगह का नाम बताएंगे, अफ्रीका जो अफ्रीकी देश मोरक्को, नाम सुना हुआ है, मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात, मोरक्को की राजधानी रबात। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, तो ये भी एक लेखक है, याद रहेगा ना, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ये कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात। तो इसका जो यात्रा वृतांत है ये पुस्तक में लिखा, इस पुस्तक का नाम रिहला था, वीवीआई पोस्टर, इब्न बतूता के द्वारा यात्रा वृतांत में जो पुस्तक लिखा गया, इस पुस्तक का नाम रिहला था, क्या था, रिहला, रिहला,
इब्न बतूता किस देश से आया था? अरब के कौन सा देश? बोलिए, इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। कहां से? मोरक्को से। कहां से? मोरक्को से। कहता है क्या सर? कहता है कन्नौज को एक सुरक्षित किला बन शहर बताया। इब्न बतूता ने कन्नौज को एक सुरक्षित शहर के रूप में बताया। किसको? कन्नौज को। किसने बताया? इब्न बतूता ने। बोल दीजिए मैं इसको की लेक्चर बन रहा है, ठीक है ना। कहता उसने दिल्ली बनाया। दिल्ली, बयाना, मालवा, कुल या कोयला, कोयल जिसको अलीगढ़ राज कहा जाता है, उस समय कुल या कोयल कहा जाता था। किसको? अलीगढ़ को। जैसे शहरों के बारे में लिखा, ये सब कौन लिखा? इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता। उसने दिल्ली तथा धार, ये मध्य प्रदेश में जगह है धार, के बीच की दूरी को रास्ते में स्तंभ द्वारा ज्ञात होने की बात कही। दिल्ली और धार के बीच जैसे ग्रैंटक रोड, ये किसको किसको मिला रहा है? तो दिल्ली और कलकत्ता को। कि आपको ग्रैंटक रोड मतलब दिल्ली और कलकत्ता के अगर बीच आना जाना है तो बस एक ही चीज आप जानिए कि दोनों के बीच बर्ड मीनिंग लिखवा रहे थे। तो दिल्ली और धार जैसे कलकत्ता और दिल्ली के बीच आपको नहीं देखा हुआ तो कुछ नहीं करना, जीटी रोड पर चलते रहिए, आप कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच धार की दूरी रास्ता में सब पत्थर गाड़ गाड़ के बताया कि इसको आगे जाइए, इससे आगे जाइए, इससे आगे जाइए, तो आपको ये मिल जाएगा दिल्ली और धार। कहता वर्तमान में दूरी को हम मील पत्थरों से पता लगाते हैं, है ना। पत्थर मिल गाड़ा लेको नहीं रहता, इसे लिख करके इतना किलोमीटर सरघाटी, इतना किलोमीटर बाकी बाजार, गया, पटना, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इब्न बतूता ने पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख किया जिसमें कामरूप, अभी बताए कामरूप किस राज्य को? असम, है ना। ये सब बीबीआई है, कामरूप, ये सब रेलवे और बैंक के एग्जाम में पूछता है, बताइए एसएससी में पूछा। और है कहां? तो सेवन क्लास में और सिक्स क्लास में, और वहां जाकर के तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो कामरूप किस राज्य को कहा जाता है? असम को। नेफा किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। पहले बिहार, अभी बिहार। कमरू या कामरूप, कामरूप कहा। उसने लिखा है कि इसकी राजधानी दुर्राज यानी गुवाहाटी थी, यानी असम में आज भी गुवाहाटी एक राज्य जिला है, गुवाहाटी, ठीक है ना। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। दक्षिण भारत के संबंध में इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबा। ये मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। अब मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जल संधि है। स्पेन यूरोप में और मोरक्को अफ्रीका में, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, ठीक है ना। एक जल संधि बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट वाटर स्ट्रेट का नाम क्या है, कोई बताइएगा? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा यूरोप को अफ्रीका से अलग होता है। अब उसके थोड़ा सा जिब्राल्टर के इधर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी। और अगर पश्चिम में जाते हैं तो मिलेगा, बोलिए, अटलांटिक ओशन। क्लियर है ना। पूरब में जाइएगा तो क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी। क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो रहा है ना। तो दक्षिण भारत के संबंध में इब्न बतूता के विवरण से दुर्वैगीर यानी देवगिरी। अच्छा, देवगिरी किस राज्य में है बताइए? गुजरात में। देवगिरी कहाँ है? गुजरात। तो देवगिरी और दौलताबाद को एक शहर के रूप में बताया। देवगिरी बाद में दौलताबाद। कहता है कावलम बंदरगाह, ट्रावनकोर, याद करो ट्रावनकोर हम पढ़ाए थे, मतलब एक ऐसा नाम नहीं मिल रहा है जो नहीं पढ़ाए हैं। ट्रावनकोर केरल में, ठीक है ना। केरल से तीन आदमी को चुन करके, क्या सॉरी, केरल से छह आदमी को चुन करके विधानसभा में भेजा गया था। जब विधान मतलब क्या लिखा रहा था,
संविधान लिखा जा रहा था तो 6 लोग को भेजा गया था देसी रियासत की ओर से, तो ट्रेवन को सबसे ज्यादा कहां से? मैसूर से 7 लोग को। तो ये सब नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्रेवन कोर का प्राचीन नाम अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा काबलम। प्राचीन नाम क्या है? काबलम। अब ये सब कभी एग्जाम में आ जाता है ना तो लोग को लगता है ये सब लूसेंट में है, ये नहीं, कहां से पूछ दिया। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी के एक एग्जाम में ऐसा नहीं रहता है। 6 से लेकर 12 पढ़िए आर्ट्स और एक क्वेश्चन पार नहीं करेगा, उखरे अंदर में रहता है, वो करंट अफेयर खाली जोड़िए। ठीक है ना, अब यह आ जाए कि काबलम किसका नाम था तो लोग बोला अति में है ये नहीं है, लूसेंट में पूरा लूसेंट चाट गए लेकिन नहीं मिला। तो ये सब ओरिजिनल बुक में मिलता है, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। चलिए तो काबलम बंदरगाह ट्रावणकोर यानी केरल में चीन से व्यापारिक संबंध किया। अब बताइए किम्बाए ये खंभात कहाँ है? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी ये गुजरात में है ना, जो मैप में आपको दिखाया गया ये वाला आगे काखा का काता है तो कच्छ की खाड़ी वाला, और खाता है तो खंभात की खाड़ी, याद रखने के लिए सब बताना ही है कि आगे कच्छ की खाड़ी तो ये वाला कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी। ठीक है ना, तो गुजरात में अब यहाँ व्यापार होता था तो यहाँ पे ट्रावणकोर यहाँ मिला, ट्रावणकोर केरल में ट्रावणकोर और गुजरात में कच्छ और खंभात दोनों मिल गया। तो यहाँ पे क्या था? बंदरगाह था, यानी इंग्लिश में डॉकयार्ड, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड जिसको पतन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पतन। अब बताइए डायरेक्ट को 7 क्लास में पढ़ने आ जाएगा उसको समझ में आएगा? जब तक आप 6 नहीं पढ़े तब तक आप 7 मत पढ़िए, है ना। अरे यहां तो 12 वाला भी दूसरी जगह से आ जाएगा उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो देवगिरी कहां, किस राज्य में? गुजरात में। देवगिरी किस राज्य में? गुजरात। काबलम ट्रावणकोर केरल में। अब चीन से व्यापार होता था। अगला कहा था किम्बाए यानी खंभात बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है, इन क्षेत्रों के अलावे उसने तिलिंग यानी तेलंगाना, बताइए तेलंगाना, जब तेलंगाना राज्य भी नहीं बना था, तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 में तेलंगाना का सृजन हुआ। और अगर पहले तेलंगाना का नाम था सन्माना, तेलंगाना का पठार आज भी नामी है, तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना, उसके बाद संडापुर, ये गोवा, बाद में गोवा, इसके बाद में क्या नाम? गोवा का प्राचीन नाम संडापुर। उसके बाद मुलायाबार जिसको मालाबार, आज मालाबार पढ़ना है हमने बताया था, हाँ मालाबार, देखिए याद करो यहां पे बंदरगाह जगह का नाम बताया गया था, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, याद आ रहा है? तो एक वो था उत्तरी सरकार तट, ये वाला क्या था? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, और एक वो क्या था बोलिए? ये मालाबार तट। ठीक है ना, और बताइए कोंकण तट, हाँ ये सॉरी ये कोरोमंडल तट, ये क्या है? कोरोमंडल तट, ये मालाबार तट और ये कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक है, पढ़ाते नहीं ये, तो ये हो गया कोंकण तट, ये हो गया मालाबार तट, नोट कीजिए मालाबार तट, और ये हो गया कोरोमंडल तट, और ये उतरे कुमा कोट याद रखे थे, कोंकण तट ऊपर नीचे मालाबार तट। ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये तट के बारे में भी जानकारी दिया, तो ये मुलायबार मतलब मालाबार और मदुरई का भी जिक्र किया है, ये सब टोटल जगह का जिक्र कौन किया था, कौन विदेशी यात्री किया था? तो इब्न बतूता, रेहला, उसका पुस्तक का नाम रेहला, पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। विभिन्न वृत्तांतकार, वृत्तांत मतलब यात्रा का जो विवरण दिया, यात्रा करने में जो लिखा, कहता है विभिन्न वृत्तांतकारों ने कई कई शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया, इस कारण स्रोतों
स्रोतों को समझने में इतिहास को सूझबूझ करके काम लिया। उदाहरण में वर्तमान में विदेशी का अर्थ होता है जो भारतीय नहीं है। विदेशी का अर्थ क्या होता है? जो भारतीय नहीं है। विदेशी का अर्थ क्या होता है? जो भारतीय नहीं है। मध्यकाल में कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र या गांव में जाता है तो उस गांव के लिए विदेशी होता था। आज के विदेशी मतलब क्या समझते हैं? कि वो भारत देश से बाहर है, चीन में, पाकिस्तान में, थाईलैंड, बैंकॉक, तो ये क्या कहा जाएगा? विदेशी कहा जाएगा। अब मध्यकाल भारत में विदेशी क्या कहते थे? अचुआ वर्ग के बाद बहरा है तो विदेश में है, ठीक है। तो ये सब किताब में तो इसी लिखेगा। तो ये सब जितना लिखने वाले थे लेखक, उनको बहुत परेशानी झेलना होता है, ठीक है ना। कहता उस गांव के लिए विदेशी। इस प्रकार एक शहरी व्यक्ति गांव के लिए विदेशी होता था। एक शहरी व्यक्ति गांव के लिए, अब कोई गया रह रहा है, पटना रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, तो उसके लिए हम लोग के लिए वो विदेशी होगा। हम लोग तो गाँव में रह रहे है ना, तो वो क्या हो गया? विदेशी हो गया। परंतु भिन्न भिन्न जाति कहता है इस प्रकार सारी व्यक्ति गांव विदेशी हो गया। परंतु भिन्न जाति धर्म के होने के बावजूद, भिन्न जाति या धर्म होने के बावजूद एक क्षेत्र में रहने के कारण लोग एक दूसरे के लिए अजनबी या परदेशी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उसको क्या कहता? विदेशी कहते थे। इतिहासकारों में इन विषमताओं को ध्यान में रखना होता है। वे विभिन्न स्रोतों के काल या अवधि को देखते हुए जानकारी हासिल करते थे। कभी कभी अध्ययन के दौरान स्रोतों के क्रम टूट जाते थे, है ना। स्रोत मतलब कि एक बार पता नहीं क्या हुआ बीच में, मतलब एक मान लो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, ओकर बाद के कोई कहानी नहीं मिला, और एक ही बार पता चला 1853 वाला, तब क्या होगा? बीच में लगता है कुछ हुआ उसकी जानकारी, तो और इकट्ठा करते थे, ठीक है ना। इकट्ठा क्या करते थे? स्रोत, कि कैसे पता चलेगा कि बीच में और क्या क्या चीज चला। कहता है कि इस तो टूट जाने से अध्ययन का अंतर आ जाता था। अभिलेखों, वास्तुकला या फिर अन्य स्रोतों के अलावा इस काल में लिपिकों द्वारा लिखा इतिहास भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस समय कागज उपलब्ध होने के कारण लिपिक कागज पर राजाओं के इतिहास, न्यायिक रिकॉर्ड लगाने का लेखा जोखा, संतों के धार्मिक उपदेश, पुस्तकों का विवरण लिखने का काम करते थे। इनके द्वारा लिखित पांडुलिपि बताइए क्या होता था? पांडुलिपि क्या होता था? पतवा पर नहीं लिखा जाता था, हिमालय में वो कोची के पतवा पर लिखा जाता था, ताड़ के कल बताइएगा, ठीक है ना, क्या चीज का छाल होता था और उस पर पांडुलिपियां लिखा। अब पांडुलिपियों को राजा या धनी व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय या अभिलेखागार में रख दिया जाता था। उस समय पांडुलिपि लिख दिया किसी चीज, एक पेड़ होती थी वर्ष के पौधा, याद आ रहा है किसका? वर्ष के छाल, है ना। तो वर्ष के छाल पर बताइए आपको कैसे नहीं याद रहता है? वर्ष के छाल पर क्या लिखा जाता था? कुछ लेख लिखा जाता है, इसी लेख को प्रयोगशाला में या फिर जहाँ लेबोरेटरी टाइप में बना दिया गया है वहां पे उसको रख दिया जाता था। संग्रहालय में भी रख दिया गया। अभिलेखागार जहाँ भी लेख लिखा हुआ है। पुराने होने के कारण इन पांडुलिपियों को पढ़ना कठिन है कि नहीं, लेकिन परंतु ये महत्वपूर्ण स्रोत है। छापखाना के अभाव, अब उस समय छापखाना था, कुछ दिन पहले कार्बन पेपर बहुत चलता था, है ना, कार्बन पेपर बहुत ज्यादा चलता था। कैसे क्या हो गया? कार्बन पेपर बहुत चलता, जब फोटोकॉपी मशीन गांव-गांव में नहीं था तब कार्बन पेपर चलता था, कि कार्बन एगो रख देते थे और एगो पर लिखे दूसर का पर छप गया, ठीक है। लेकिन अब जब फोटोकॉपी मशीन आ गई एकदम गांव-गांव में, तो अब इसकी देखते हैं रहती है जरूरत कार्बन पेपर की, खाली एक ही जगह नजर आओगे रसीद काटे में, इसके अलावा कहीं है? अब कुछ दिन के बाद इसका भी जगह खत्म हो जाएगा। जब कंप्यूटराइज रसीद काटने लगेगी सब जगह गांव-गांव में, तो ये कार्बन पेपर की भी जरूरत अब नहीं रहेगा। क्लियर हो रही है ना?
तो पांडुलिपि को इस प्रकार पढ़ना आसान होता। कहता है कि छापखाना के अभाव में इनका नष्ट होने से बचाने के लिए उस काल में लिपिक इन पांडुलिपियों के हाथ से एक हाथ से दूसरे कागज पर लिखते थे। मतलब लगता था कि अब साल जा रहा है, ठीक है, तो कोई से लिखवा देता था कि इसको फिर से लिखो, जिससे कि अब कुछ दिन तक और बचे, ठीक है, तो उस राजा की जानकारी प्राप्त होगी। और नहीं तो वो राजा कई साल पहले मर गया, तो उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नकल करते समय कभी कभी शब्दों या वाक्यों में अंतर आ जाता था। नहीं, जब कभी हम कह दिए कि इतना छाप के लाना, तो क्या है उसका कॉपी करे, उसको छाप रहे, और छापते छापते कभी कहाँ छूट गया, कभी मे छूट गया, तो कभी पाई छूट गया। जब पाई या बिंदु छूट जाता है तो उसका शब्द का उच्चारण बदल जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से नकल करते समय कभी कभी शब्दों, हाँ धीरे बोलिए, नकल करते समय कभी कभी शब्दों या वाक्यों में अंतर आ जाता। कभी कभी स्पष्ट लिखावट न होने के कारण लिपिक शब्दों को लिखते समय उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते थे। इस प्रकार समय के साथ मूल पांडुलिपि में लिखे वृत्तांत और बाद के लिखे वृत्तांत में अंतर हो जाता था। नहीं समझ में आया? ओरिजिनल बुक और डुप्लीकेट बुक बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लिपि के अभाव में इतिहासकारों में विभिन्न अनुवादों पर निर्भर करना होता था। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्लास अब आगे के लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना।